पंचकुला से खबर है। चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं किसान। किसानों ने यहां पर चंडी मंदिर टोल प्लाजा फ्री करवा दिया है। 12 से लेकर 3 बजे तक किसानों ने करवाया टोल फ्री। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हरियाणा के अन्य जिलों से भी किसानों ने टोल फ्री करवाया है। तो किसानों की तरफ से देखिए, आज हरियाणा में टोल फ्री करवाए जा रखे हैं। जगह जगह किसान पहुंच रखे हैं। पंचकुला से खबर, चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर पहुंचे किसान। किसानों ने चंडी मंदिर टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया। 12 से 3 बजे तक के लिए किसानों ने टोल को फ्री करवा दिया है। वहीं पुलिस बल मौके पर तैनात है। हरियाणा के अन्य जिलों में भी किसानों ने टोल फ्री करवाया है। तस्वीरें आप देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता स्टेट हेड है जितेंद्र चौधरी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितनी संख्या में किसान पहुंचे हैं, क्या कुछ हलचल यहां नजर आती है? देखिए बिल्कुल आरती, इस वक्त हम चंडी मंदिर टोल पर मौजूद हैं और चंडी मंदिर टोल को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की तरफ से फ्री करा दिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं कि बिना टोल दिए तमाम जो वाहन हैं वो यहां से रफ्तार भरते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरे तौर पर जो टोल है उसे फ्री कराने का काम जो है यहाँ पर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये चंडी मंदिर टोल की सीधी तस्वीरें। और जहां तक बात की जाए किसानों की या फिर पुलिस बल की, वो पूरे तरीके से यहां पर तैनात है, लेकिन किसी तरीके का कोई आपस में टकराव यहां देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि टोल को फ्री करा दिया गया है। टोल की तमाम दूसरी लेन को बंद करते हुए जो वाहन हैं बाकी दो लेन से ही फराटा भरते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पुलिस बल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के तैनात किया गया है, लेकिन किसी तरीके से कोई भी आपसी जो विवाद की जो बात है वो यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ ये तमाम वो किसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे, जिनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि टोल जो है वो फ्री कराया जाए, क्योंकि कल BKU चढ़ूनी गुट की तरफ से पहले ही जो बैठक करके ये फैसला कर लिया गया था। नरेंद्र है, जिला अध्यक्ष हैं BKU चढ़ूनी गुट से, उनसे बात भी करेंगे। नरेंद्र जी, आपने ये टोल फ्री यहाँ पर कराया है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की तरफ से कल मीटिंग में भी फैसला किया गया था और भारत बंद भी है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे पंजाब से हमारे किसान भाई आए हैं 12-12 साल के बच्चों के ऊपर इन्होंने गोलियां मार मार के प्लास्टिक की सीने छलने कर दिए हैं और ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार हमारे किसान भाइयों के ऊपर इतनी बर्बरता कर रही है जैसे कि हम कहीं बाहर से आए हों। क्या किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? उसके विरोध में और अपने किसान भाइयों के समर्थन में आज पंचकुला में दो टोल फ्री हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा। एक जलोली टोल प्लाजा बरवाला ब्लॉक में पड़ता है और एक चंडी मंदिर टोल प्लाजा जो पिंजौर ब्लॉक में पड़ता है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री किया हुआ है। और कल हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है ब्लॉक वाइज ट्रैक्टर मार्च करने का, कालका पिंजौर में भी होगा और बरवाला में भी होगा। और परसों सभी संगठनों को इकट्ठे करके प्रधान जी ने कुरुक्षेत्र में मीटिंग रखी है, पूरे प्रदेश के सभी संगठन छोटे बड़े जितने भी हैं सभी आएंगे। फिर उसके बाद जो भी कॉल ऊपर से आएगी, जो प्रधान जी के आदेश होंगे, उस कॉल को हम भारत बंद की बात भी आज कही गई है SKM और जो है ट्रेड यूनियंस की तरफ से, उस पर क्या? हाँ जी बहुत अच्छी बात है, वो भी समर्थन कर रहे हैं, सभी जथेबंदियाँ सभी इकट्ठी हैं, सभी भारत बंद भी तो किसानों के समर्थन में है ना, अच्छी बात है, करना चाहिए। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भारत बंद का भी सभी के। आप देखो पंजाब में भी कल भी ट्रेनें रुकी हुई थी, सभी जथेबंदियाँ हमारे किसान भाइयों के साथ हैं, हम इनके साथ कोई ऐसी बर्बरता नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए हम अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। तो किसानों के साथ देने की बात कही जा रही है और उसी के समर्थन में ये जो पूरा जो टोल फ्री है वो चंडी मंदिर पर देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरीके से जिलाध्यक्ष नरेंद्र जो कि BKU चढ़ूनी गुट से ही हैं, उनका ये कहना है कि बरवाला के अंदर भी इसी प्रकार से जो टोल है वो फ्री कराया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें आपने चंडी मंदिर टोल की देखी है, जहाँ पर टोल फ्री कराने को लेकर के किसान यहाँ पर पहुँचे थे। हालाँकि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बात को संजीदगी से देखते हुए जो टोल फ्री कराने का जो पूरा फैसला चढ़ूनी गुट की तरफ से किया गया था उसमें किसी तरीके का आपसी विवाद ना हो, इसलिए टोल फ्री जो है वो यहाँ पर कराने दिया जा रहा है और आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से कायम रहे, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरे तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं तैनात है और तमाम जो विषय हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं कि आम लोग किसी तरीके से कोई रोड ब्लॉक की वजह से या फिर जाम की वजह से या टोल फ्री कराने की वजह से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आरती चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुँचाई है।